बोला भैया हम कौनो राजनेता थोड़े ही है, हम कौनो विपक्ष थोड़े ही है, हमको काहे चढ़ा रहे हो भाई, हम लोग गायिका है। तो बात यह है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है इस चीज से। मैंने देखा कि जब से क्या बोलते हैं काउंटिंग शुरू हुई कल, और जिस तरह से ये एग्जिट पोल के रुझान ये सारी चीज़ें, तो लोग भारी भारी संख्या में मेरे को जो कहेंगे ट्रोल कर रहे थे, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी। और ट्रोल का तो लेवल आप लोग जानते ही हैं, ये भाजपा के आईटी सेल कैसे ट्रोल करते हैं। तो अभी ये जीत गए हैं, चलो भैया जीत गए, बधाई हो, जनता ने चुना है, बधाई हो आपको। हम लोग बार बार यही कह रहे थे और यही कहेंगे। मैं क्या, ये सब जनता भी यही कहेगी कि भैया लास्ट में जनता ही डिसाइड करती है कि उसे किसको गद्दी पे बिठाना है। तो जनता ने वो डिसाइड किया है, बहुत बढ़िया है। जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं वो और मेहनत करें कि भैया हाँ नहीं अभी और आपको मेहनत करना है अगर आपको फाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें वो तो उनकी बातें हैं। बाकी जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि अपना पुछबू यूपी में कहाबा, अपना पुछबू यूपी में कहाबा, देख ला यूपी में तो है बा हो बा। मैंने बड़े बड़े मैं कलाकारों की बात कर रही हूँ, ये तो कार्यकर्ता उनके और इनके क्या बोलते हैं आईटी सेल की तो बात छोड़िए। जो अपने आप को लोक कलाकार कहते हैं, बड़े बड़े लोग, वो मुझे ऐसे जो पूछ रहा था यूपी में कहाबा, हमारे ही यहाँ पता नहीं बाबा बा जो भी ऐसे उनका जो है, वैसे वैसे मैं नाम नहीं लूंगी, इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वो कौन लोग हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, एक मिनट एक कॉल आ रही है, मैं कट कर लूं, कि नेहा सिंह राठौर की जीत यही है यूपी में काबा। मैं कोई विपक्ष तो थी नहीं कि मैं हार गई, मैं जनता थी, मैं लोक कलाकार हूं थी, ठीक है। तो नेहा सिंह राठौर की जीत यही है कि उसके उसका एक गाना वो गाती है यूपी में काबा, और वो पक्ष और विपक्ष, जनता, कार्यकर्ता, दुनिया जहां जितने सारे लोग हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो उन सबकी जुबां पे चढ़ गया, ठीक है। और बस एक ही डायलॉग बोले पड़े हैं, एक ही डायलॉग बोले पड़े हैं चुनाव जीतने से पहले, चाहे चुनाव जीतने के बाद, है ना, चाहे चुनाव से पहले चुनाव के बाद, यूपी में काबा, यूपी में काबा। तो नेहा सिंह राठौर की जीत तो यही है भैया। तो नेहा सिंह राठौर बहुत खुश है, एक कलाकार बहुत खुश तब होता है जब उसका जो बोल है, उसके गाने हैं, जो उसके गाए हुए गीत, लिखे हुए गीत जनता के जुबान पे चढ़ जाता है। यहाँ जनता की जुबान पे तो चढ़ा ही चढ़ा, राजनेताओं के भी जुबान पे चढ़ गया। तो नेहा सिंह राठौर की जीत तो ये है, नेहा सिंह राठौर तो जीत गई है भाई। एक कलाकार तब जीत जाता है, एक लेखक, एक गायक तब जीत जाता है जब उसके गाने के बोल लोगों की, जनता की जुबान पे चढ़ जाता है, लोक की जुबान पे चढ़ जाता है। तो नेहा सिंह राठौर जीत चुकी है, नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा गाई थी। अब आप सोचिए, आप लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ना पूछू यूपी में काबा हाई हो, पता नहीं क्या आपको, पता नहीं क्या इसमें मजा मिल रहा है, मुझे नहीं पता, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप मुझे ऐसे ऐसे ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि मैं क्या हूँ, कोई मंत्री विधायक तो हूँ नहीं, या फिर मैं किसी मंत्री विधायक की बेटी भी नहीं हूँ, सामान्य परिवार से हूँ, ठीक है। और मैं एक गाना लिखती हूँ, एक छोटी सी लड़की, मैं छोटी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं कि है ही हो फलाना ठिमकाना, तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो गांव घर की, बिहार के गांव की एक छोटी सी लड़की अपना फ़ोन उठाती है ऐसे, और स्टैंड भी नहीं है जिसके पास, या फिर अब तो स्टैंड हो गया, पहले तो स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, पीछे में तकिया चाहे कॉपी किताब ऐसे रख करके फ़ोन को ऐसे टिका देती है। इसके बाद एक सवाल करती है, मैं बिहार में काबा की मैं बात कर रही हूँ, तब मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह नहीं थे क्योंकि प्लान ही नहीं था कुछ उस तरह से, और बिहार सरकार से क्वेश्चन करती है बिहार में काबा, और उस सरकार को नेहा सिंह राठौर के जवाब में गाना लिख देना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है करोड़ों रुपया खर्च करके कि बिहार में ही बा। यही मेरी हासिल है, यही मेरी उपलब्धि है, इस चीज़ को शायद आप लोग समझते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, फिर यही लड़की सवाल करती है और मुद्दों की बात करती है, फर्जी बात नहीं करती है, धर्म की बात नहीं करती है, हिंदू मुसलमान नहीं करती है, ठाकुर अहिरान बाभन नहीं करती है, मुद्दे की बात करती है, मुद्दे की बात करती है। और उसके जवाब में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी को, समझ पा रहे हैं ना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाने से रिप्लाई करना पड़ जाता है। ये नेहा सिंह राठौर की उपलब्धि, नेहा सिंह राठौर की ये जीत है,
समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, तो मुझे ट्रोल करने से पहले जा करके कुछ चीजें समझिए, कुछ देखिए। एक और चीज, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि अब ना पूछबू यूपी में काबा, तुम तो लजा गई, तुम तो दबक गई हो यूपी में काबा, हई बा हो बा। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, फिर भी मैं समय निकाल करके आई हूँ कि कई लोग ये ना कहें कि नहीं 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 ये तो दुबक गई, ये तो भाग गई, फिर भी मैं आई हूँ कि नहीं भैया, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा गाना इतना हिट हुआ, इतना वायरल हुआ। एक लोक कलाकार को, एक लोक गायिका को, एक लेखक को और क्या चाहिए। पूरे चुनाव भर 2 महीने तक यही बजता रहा यूपी में काबा, जनता यही पूछती रही सरकार से यूपी में काबा। इससे ज़्यादा बड़ी और चीज़ क्या होगी मेरे लिए खुशी की, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। नहीं, आप जय जयकार लगाइए, हम किसी गवर्नमेंट की जय जयकार न लगाए हैं न लगाते हैं, चाहे योगी जी हैं चाहे अखिलेश जी हैं, जय जयकार मैं कलाकार हूँ, मैं नहीं लगा सकती, मैं जनता की जय जयकार करती हूँ। आप कार्यकर्ता होंगे, आप आईटी सेल वाले होंगे, तो आप जय जयकार लगाइए, कोई जीते कोई हारे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। नहीं, नेहा सिंह राठौर अपना काम करती रही है, नेहा सिंह राठौर अपना काम करती रहेगी। अच्छा, आप देखिए, बिहार में काबा गाया, उस टाइम पे भी खूब ट्रोल किया, खूब ट्रोल किया, अब इनको लगा कि ट्रोल कर करके तो इसको हतोत्साहित कर दिए हैं हम लोग, अब तो ये दिखेगी नहीं। भैया, हम आए और मैंने गाया यूपी में काबा, और ऐसा नहीं है कि फिर बिहार में काबा यूपी में काबा के बीच हम सो रहे थे। आप लोगों ने कई सारे मेरे ऐसे गाने को पसंद किया, और कहीं ना कहीं वो पसंद करने का ही मतलब परिणाम है कि मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़ने लगता है, नहीं भाई लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हमको गाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। और आर के जी जुड़े हुए हैं, वेदमणि जी जुड़े हुए हैं, सनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। अवधेश यादव जी जुड़े हुए हैं, धनंजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवीण राज जी जुड़े हुए हैं। हाँ, एक और चीज़ की, हाँ, जो लोग मुझे ऐसे लिख रहे हैं, अब ना पूछबू यूपी में काबा, और भी बहुत गंदे तरीके से, मैं तो बहुत ही छोटा सा बता रही हूँ, इतना इनका सरल भाषा भी नहीं है, अगर ऐसे भी लिखते तो चलो कोई बात नहीं, गंदी गालियों के साथ इट्स ओके भाई, चलो तुम लोग गालियाँ दो, तुम लोगों का संस्कार वही है, गालियाँ ही दोगे। खैर भैया, जितनी बार आप यूपी में काबा लिख रहे हैं ना अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, उतनी बार नेहा सिंह राठौर को फेमस कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो नेहा सिंह राठौर को इस बात से तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा कि हाय लोग क्या लिख रहे हैं। आप जितनी बार लिख रहे हैं यूपी में काबा, उतनी बार मुझे खुशी मिल रही है कि हाय, जब मैंने लिखा था अपनी कलम में यूपी में काबा, मुझे नहीं पता था कि जनता इतना प्यार करेगी, लोग इतना इसका विरोध भी करेंगे। तो ये जो है ना, मेरे दिल को सुकून दे रहा है। चलिए ठीक है, बस यही सब कुछ बातें आप लोगों से करनी थी कि जिनको ट्रोल करना है भाई करो, नेहा सिंह राठौर न रुकी है न रुकेगी।